पाकिस्तान के जो टेलीविजन स्टेशंस हैं वो ज़्यादा क्रिकेट दिखाते रहे हैं कल, और कि क्रिकेट मैच होगा, ये होगा, वो होगा। इंडिया में सारे ग्लोबल G20 के जो लीडर्स हैं वो आए हुए हैं। सिर्फ G20 नहीं आए हुए, IMF, वर्ल्ड बैंक, गीता गोपीनाथ, अजय बंगा, बड़े बड़े लोग वहाँ पे आए हुए हैं, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के लोग आए हुए हैं। आप कैसे देखती हैं, पाकिस्तानी मीडिया कैसे इग्नोर कर सकता है? चाइना बात कर रहा है, अफगानिस्तान में भी बात हो रही होगी, वहाँ तो हर मीडिया है नहीं, लेकिन अरब मीडिया, अमेरिकन मीडिया, यूरोपियन मीडिया, सारा मीडिया डिस्कस कर रहा है। क्या हमारे मीडिया या हमारे लोगों को इंडिया के अंदर ये जो डिप्लोमेटिक एक समिट हुई है ये ना दिखाने से क्या अवाम के अंदर या अवाम के दिल में इंडिया के बारे नफरत रखी जा रही है, इग्नोर करना चाहते हैं, या समझते हैं कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो हमारे पास भी ये लीडर आते रहते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या क्या है ऐसा? मैं एक दो हमारे साबिक अम्बेसडर हैं उनकी ट्वीट्स भी देख रहा था कि क्या हुआ, पिछले साल इंडोनेशिया था, इस साल इंडिया, अगले साल जो है वो ब्राज़ील G20 कराएगा, इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? आप क्या समझती हैं मैडम? बिल्कुल सही सर, यहाँ पे काफ़ी सन्नाटा है, लेकिन आपने कई लोगों के नाम लिए और आपने मेरे फेवरेट का नाम ही नहीं लिया जो यूके के एम्बेसडर हैं, इतना हैंडसम एम्बेसडर, वो भी इंडियन, वहाँ पर इंडिया में विजिट कर रहे हैं और आपने उनका सर जिक्र ही नहीं किया, बड़ी गलत बात की आपने। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुआ है कि हमने, हमारे मीडिया यूके ने, के प्राइम मिनिस्टर के जी एम्बेसडर, जी सॉरी एम्बेसडर नहीं, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, जी हाँ जी तो उनका आपने नाम नहीं लिया तो लेकिन सर क्योंकि सर सारे जितने लोग आए उनमें सबसे हैंडसम वही है, अगर आप देखें पिक्चर्स विक्चर्स देखें तो, और इससे बड़ा इम्प्रेशन बनता है, जैसे आपने देखा हमारे यहाँ जब इमरान खान साहब आए तो इमरान खान के बड़े फॉलोअर्स थे, और उसकी ये वजह ये नहीं थी कि इमरान खान ने कोई काम किया था, इमरान खान की एक पर्सनैलिटी थी, खैर ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल आपके सवाल पे जाते हैं तो सर बिल्कुल पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुआ है ये, और हमेशा से हम यही करते हैं कि जब भी इंडिया में कोई खास इवेंट होता है, चाहे G20 हो चाहे बाकी कोई भी आप देख लीजिए, तो उसमें इग्नोर किया जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल है, हमारे मीडिया को दिखाना चाहिए, लेकिन क्या करें बेचारे जो हैं वो आप जानते हैं उनको डिक्टेशन कहाँ से आता है, तो वो उनको परमिशन नहीं होगी। बाकी जो नेगेटिव बात कर रहे हैं तो सर हमने तो उनके चंद्रयान को भी नहीं माना और कह दिया गया जैद आमिर साहब की तरफ से और कई लोगों की तरफ से ही दिया, हमें तो कोई प्रूफ ही नहीं दिया उन्होंने कि वो वाकई में चांद पे गए, तो हो सकता है ये भी यकीन ना कर रहे हो कि वाकई में G20 हुआ है और इतने लोग आए, IMF के भी कई लोग थे, IMF की शायद चेयरपर्सन भी थी और IMF के कई दूसरे लोग थे जो इनके लिए हम तरसते रहते हैं कि हमें टाइम दे दें और हमारी बात सुन लें, वो सब वहां पर मौजूद थे। और बाकी जहां तक ये बात है कि जी ये तो हर साल कहीं ना कहीं होगा, तो बिल्कुल होगा, लेकिन बहरहाल इंडिया को एक बहुत बड़ा एक चांस मिला अपने आप को दिखाने का, अपने आप को साबित करने का जो उन्होंने किया, और पाकिस्तान की मेरे ख्याल है ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान उसमें नहीं है, हालांकि अभी उन्होंने एक कुछ कंट्रीज को और ऐड किया है एज अ गेस्ट कंट्री के तौर पे, आपने देखा कि वो मोहम्मद बिन सलमान वगैरह भी गए, लेकिन अगर पाकिस्तान भी वहां पर होता तो शायद मुझे ज्यादा अच्छा लगता और मुझे बड़ी बांग्लादेश खुशी। भी, बांग्लादेश को भी इनवाइट किया है, यूएई को इनवाइट किया। बिल्कुल ऐसा ही है और आपस में वो मिल भी रहे, बल्कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो बाइडेन के साथ जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है, तो पाकिस्तान की भी अगर कोई वहां पे कोई मिनिस्टर या कोई एक पर्सनालिटी वहां पर होती तो शायद मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है, एज अ पाकिस्तानी मैं बड़ा क्यों प्राउड नहीं फील करती। बुलाया मैडम? एक बात बताएं, अगर यूएई को बुला रहे हैं, बांग्लादेश को बुला रहे हैं, तो पाकिस्तान भी तो, मोदी साहब इतने क्यों नाराज हैं पाकिस्तान से? बुलाते एक ऐसे जस्ट एक गुडविल जेस्चर, एक पत्ता फेंकते, लोगों को कहते आओ देखो इंडिया बदल गया भाई, पाकिस्तान भी जाता एज ए, और ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाता ये फैसला करना। आपको नहीं लगता कि ये एक अच्छा तरीका होता, या आपको समझ नहीं है कि मोदी साहब पसंद नहीं करते इतना पाकिस्तान को? नहीं नहीं सर मुझे नहीं लगता कि कोई पीएम मोदी को कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बात सर ये कि हमने अपने आप को उस जगह पे अभी पहुंचाया नहीं है जहाँ पे लोग हमें इनवाइट करें, हो सकता है हर एक को यही लगता हो कि अगर वहाँ पहुंच गए तो फिर वही पैसे वैसे मांगना शुरू कर देंगे जो हमारे लीडर्स की आदत है, और मीटिंग वीटिंग फिक्स कर लेते हैं कि चलो कुछ इनसे भी मांग लेते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मिलते ही नहीं वो वहां पे मिल जाते, तो हो सकता है वहां पे कुछ उनको टोपी पहनाने की कोशिश करते, तो इस वजह से भी हो सकता है ना बुलाया हो। और दूसरी बात ये कि हम इतने इम्पोर्टेंट हैं नहीं, हमने अपनी हालत खुद ऐसी कर ली है, अगर हम अपनी इकोनॉमी पे काम कर रहे होते, हमने यहाँ से टेररिज्म और ये सारी चीजें कंट्रोल की होती
और हम किसी काबिल होते, किसी को हमारी जरूरत होती तो हमें बुलाएगा ना, किसी को हमारी जरूरत ही नहीं है तो हमें क्यों बुलाएगा, हमसे किस लिए वो बात करेंगे, हमारे पास ऐसा क्या है जो हम उनको दे सकते हैं, हमारे पास ऐसे कोई एडवाइस भी नहीं है जो हम उनको दे सकते हैं, हम यहाँ से कुछ भी हमारे पास कोई चीज़ अनफॉर्चुनेटली ऑफर करने के लिए है ही नहीं। हाँ दो चार वो टेररिस्ट हैं जो हमने रखे हुए हैं, वो अगर दे दें तो और बात है, लेकिन वो भी देने को हम तैयार नहीं है, तो वो हमें किस लिए बुलाएंगे। इंडिया की बात नहीं है, कोई दूसरी कंट्री भी हमसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है। आपने देखा ही कि बात की गई कि जी सऊदी अरब के जो हैं MBS वो आएंगे और कई बातें और कहा गया, फलाने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट आ रही है, कुछ अभी तक हुआ नहीं है, सिर्फ बातें ही बातें हैं। तो जाहिर हमने अपनी हालत खुद ऐसी की है, और वहां से लोग यहाँ पर आते तो अब और भी डरेंगे, क्योंकि आपने देखा ही है बॉर्डर की क्या हालत है उधर अफगानिस्तान बॉर्डर की साइड पे, तो यहाँ कौन आएगा और हमें कौन बुलाएगा। आप मतलब मोदी साहब दिखाते हमें इतना अच्छा पवेलियन बनाया है, वो राजघाट वो किधर लेके जाते, ये तो उन्होंने गलत किया। मैं समझता हूँ उनको बुलाना तो चाहिए था एज ऑब्जर्वर, चलो थोड़ी सी एक, लेकिन शायद वो ये भी समझते होंगे कि अगर पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तान को हाईलाइट होना था बहुत ज़्यादा। खैर वो भी एक इंडियन मीडिया का होता है कि अगर वो पाकिस्तान ही चला जाए तो हाईलाइट करते हैं। मैडम आप क्या कैसे देखती हैं इतने लीडर्स का वहाँ पे जाना? कई लोगों ने तो ये कहा प्रेपरेशंस ठीक नहीं थी, मतलब वो पता नहीं पानी आ गया वहाँ पे जहाँ पे वो क्या था वो जो हो रही थी, क्या नाम है जो मेन इवेंट का जगह थी, वहाँ पे सारा पानी खड़ा हो गया और वो शोर डालना शुरू कर दिया मीडिया के लोगों ने। आपको क्या लगता है तैयारियाँ मुकम्मल नहीं थी या बारिश ज़्यादा हो गई होगी या ऐसे मौक़ों पर ऐसे हो जाता होता है, इसको दरगुजर करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल है बारिश ज्यादा हो गई होगी, क्योंकि जब इतना पैसा खर्च किया है इंडियन गवर्नमेंट ने तो क्या वो इस किस्म के इंतजाम नहीं करेगी कि अगर ऐसा ऐसा कुछ हो जाए तो उससे कैसे निकला जाए। लेकिन यकीनन कहीं ना कहीं जो है वो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी भी गलती है कि उन्होंने ये चीज माइंड में नहीं रखी और इस तरह से हो गया, तो मेरा ख्याल है इनको नेक्स्ट टाइम के लिए जो है वो डबल चेक करना चाहिए, क्योंकि बहरहाल एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं गया। एक बहुत अच्छा इवेंट चल रहा था और चल रहा है, लेकिन उसके बीच में जब इस किस्म की बात हो जाए तो एम्बेरसमेंट तो होती है, अब लाख कुछ कहें, लेकिन ये कि बहरहाल गवर्नमेंट के जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल थे इस बात के लिए कि इंतजाम करने के लिए उनकी जरूर उनसे जरूर पूछगछ होनी चाहिए। लेकिन बाकी बहुत लोग वहां पर पहुंचे, कई लोगों के नाम ऐसा भी लिया जा रहा था कि शायद ना आ सके, अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए भी कहा जा रहा था मगर वो भी आए, जॉइंट स्टेटमेंट भी हुई और एक बहुत बड़ा उन्होंने प्रोजेक्ट जो अनाउंस किया है जिसमें वो आई थिंक ट्रेन है जो इंडिया से और गल्फ में और वहां से यूरोप तक चलाई जाएगी, तो कितना ही अच्छा होता अगर, फिर मैं वही कहूंगी और आपकी ऑडियंस बड़ी नाराज होगी, कि अगर उसमें पाकिस्तान का नाम भी होता। नहीं मैडम वो क्यों ना होती, ये जो ये तो ये सवाल है एक, मैं अगर वो आपको दिखा सकूं जो है क्या नाम है वो कॉरिडोर, कई लोग कह रहे हैं, कई लोग पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब को अगर ये कॉरिडोर के अंदर से पाकिस्तान में भी शामिल कर लिया जाता तो इसमें कौन सी ऐसी बुरी बात थी भाई, ये तो अच्छी चीज़ होती। आप देखें ना ये इसे पाकिस्तान का भी फायदा होता, ईरान का भी फायदा होता, पाकिस्तान को माइनस करके वो सीधे ही जो है वो सऊदी अरब पहुंच गए हैं। ये वो कॉरिडोर है जिसकी मैंने पिक्चर लगाई है, आप कैसे देखती हैं, क्यों पाकिस्तान? और एक इसको इस एंगल से भी देखें कि वो जो पाकिस्तानी माइंडसेट था जो चाहता था कि हमने इंडिया को पाकिस्तान से नहीं गुजरने देना और इंडिया को तरक्की नहीं करने देनी, उनके लिए भी तो ये एक बड़ा मोमेंट ऑफ एम्बैरेसमेंट ही कहेंगे या मोमेंट ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है। लेकिन सर अगर आपके यहाँ कोई बहुत बड़ा काम हुआ होता ना, ये जो चाइना के साथ काम किया जा रहा है कॉरिडोर का, ये जो आप देख ही रहे हैं सीपैक का, अगर हमने उसमें बहुत बड़ी कोई सक्सेस ले ली होती तो शायद तब जो है ये होता कि इंडिया या कोई भी दूसरी कंट्री हमारे साथ काम करने के लिए तैयार होती या चाहती कि पाकिस्तान के साथ काम करे कि देखो जी इन्होंने तो सीपैक बना दिया, इन्होंने तो भाई कमाल ही कर दिया चाइना के साथ। लेकिन आपने देखा कि वहां पर क्या कुछ हुआ और कितनी चोरियां हुई और कई बार वो आसिम सलीम बाजवा और कई के नाम भी आए, तो हो सकता है कि पीएम मोदी ने सोचा कि ऐसा ना हम पटरियां ही चुरा के ले जाएं उधर से, कुछ भी हो सकता है ना। मतलब हम लोगों की आपको पता है कि जो हालत है तो हम तो अपने लोगों को नहीं छोड़ रहे, तो फिर वहां कहाँ कुछ छोड़ते, वहां पे भी यही होता है कि करप्शन होती है, कोई पैसा सा खा जाते है, कोई और नुकसान हो जाता। तो सबसे बड़ी बात हमने अपने आप को इस काबिल बनाया ही नहीं, हमने अपने आप को हमेशा से ऐसे ही दिखाया है कि हम बस मांग रहे हैं और हमें काम काज कुछ आता नहीं है। तो हमारे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिखाने के लिए नहीं ना, आप किसी जगह भी अगर अपने आप को या अपने किसी सर्विसेज को ऑफर करते हैं तो कुछ दिखाते तो हैं कि हमने ये किया था तो
तो उस बेस पे लोग ले लेते हैं। हमने किया क्या है सिवाय टेररिस्ट पालने के और सिवाय बैठे बैठे लोन लेने के और ऐसे ही कंट्री चलाने के। सब भी जो हाल है मुल्क का, सभी को पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ कौन काम करेगा सर, कुछ महफूज नहीं है। मैडम पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ बड़ा जंग लड़ी है, इसमें तो दुनिया कहती है। आप कहती हैं कि टेररिस्ट पाले, मतलब आप अभी फॉर एग्जांपल ये जो अफगानिस्तान से रास्ते चित्राल में दहशत गर्द आए, पाकिस्तान की सुना है गनशिप हेलीकॉप्टर भी उसके अगेंस्ट हैं, काम कर रहे हैं, फौज ने बड़ी जाने दी हैं। आपको नहीं लगता ये थोड़ी सी एक अनजस्ट स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी जो कह नहीं रही सर, हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए कि ये जो टीटीपी वाले हैं ये बनाए भी तो हम ही ने थे, हम ही ने पाले हैं। और वो तो अब तो माफी यहाँ की पे बात सर, अब तो सर यहाँ पर देखें लोगों की जाने जो है महफूज नहीं है, यहाँ तक कि टेररिस्ट तक महफूज नहीं है। वो बेचारा नमाज पढ़ रहा था, उसको उड़ा दिया वो अबू अबू कासिम को, वो बेचारा सीधा बगैर किसी मतलब इत्तला के वहां ऊपर पहुंच गया होगा। अभी हूरे भी तैयार नहीं हुई होंगी उसके ऊपर, फरिश्ते भी कह रहे होंगे भाई तुम तो बगैर इत्तला के आ गए हो। तो ये सर इस किस्म की हरकतें यहाँ पर होती हैं। और हमने हरगिज कोई जंग नहीं लड़ी, मैं कभी नहीं मान सकती इस बात को कि पाकिस्तान ने कोई दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग करवाई है, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में पैसा लिया है जो मैम। अमेरिका अफगानिस्तान में कर रहा था। और हम यहाँ से जमीन दे रहे थे कि हाँ जी यहाँ से ड्रोन ले जाइए, और हम अभी भी तैयार हैं। अगर अमेरिका एक बार हमें इशारा कर दे कि वो दोबारा से अफगानिस्तान में बम फेंकना चाहते हैं, सबसे पहले हम कहेंगे आइए जी और हमारा इलाका इस्तेमाल कर लीजिए। सर क्या बात है। मैं वैसे इस चीज़ पे आपके साथ बिल्कुल एग्री नहीं करता। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फौज, अवाम, मुआशरे ने लड़ी है। हाँ, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए थी कि जब इमरान खान ने दहशत गर्दों को वापस लिया, नहीं लेना चाहिए था, क्लैरिटी होनी चाहिए थी। मैडम मूव ऑन करते हैं। टर्की ने, आप देखें एक मैडम ये भी एक पॉइंट देखें कि सारे वो जो पाकिस्तान के बड़े दोस्त और यार हुआ करते थे, अब वो सारे मोदी साहब के दोस्त हैं, गले झपियाँ डाल रहे हैं बड़े बड़े। टर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात की और कहा कि हम इंडिया के साथ अपनी जो कारोबार है, ट्रेड है, बढ़ाना चाहते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि अमेरिका की और इंडिया का जो जॉइंट स्टेटमेंट व्हाइट हाउस में आया, उसमें इंडिया को कहा गया है कि इंडिया को हम परमानेंट सीट चाहते हैं। तो तैयब उर्दगान कहते हैं कि नहीं, ये परमानेंट सीट सिर्फ इंडिया को नहीं मिलनी चाहिए, इसमें हमें भी डालें, ये रिवॉल्विंग होनी चाहिए। ये जो एक तो इस पर ज़रा बात करें, मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन जैद और टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दगान की ये जो जपियां डली हैं मोदी साहब से, इस पे थोड़ा कमेंट करें। ये तो पाकिस्तान के लिए भी एक सर्जिकल स्ट्राइक ही है ये, गो के उनकी ऑलरेडी ताल्लुकात अच्छी हैं एक दूसरे के साथ। नहीं सर, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर अगर इंसान या कोई भी कंट्री सक्सेसफुल है और लोग देख रहे हैं कि ये आगे की तरफ बढ़ रही है, इनकी इकोनॉमी जो है इस वक्त मेरे ख्याल 5th नंबर पर है और कहा जा रहा है कि थर्ड पर आ जाएंगे या सेकंड पर आ जाएंगे, इस किस्म की बातें की जा रही है और दिखाई भी दे रहा है काम होता हुआ, तो फिर सभी लोग जो हैं वो उनसे बिल्कुल जपियां भी पाएंगे और जाके बैठेंगे भी। और ये इंडिविजुअल के साथ भी होता है बहुत से। समटाइम मेरे दोस्त जो है वो बात हम लोग करते हैं, कभी अगर हम यूट्यूब की बात करें, हम वैसे ही बात करें, तो मैं उनको कहती हूँ कि यार गेस्ट के पीछे पीछे मत फिरो, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि गेस्ट तुम्हारे पीछे फिरे। तो वो वाली बात है कि अपने आप को इस काबिल बनाएं कि लोग आपके साथ बैठना पसंद करें। आपने बहुत सी कमजोरियां होती हैं और कंट्री में अभी भी इंडिया में बहुत कमजोरियां होंगी, कई ऐसी चीज़ होंगी जिसके ऊपर उनको काम करने की ज़रूरत है और करना भी चाहिए, लेकिन फिर भी वो आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारी कमजोरियां ही कमजोरियां हैं, हम किसी एक जगह पर भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि जहां हम कुछ बेहतर हो रहे हों या जहां हम थोड़ा सा ग्रो कर रहे हों, जहां पे लोग समझें कि हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं। इस वजह से लोग हमें बात नहीं करते, हमारे साथ दोस्त तो सर कोई होता नहीं, कंट्री कंट्री की दोस्त कभी नहीं होती, ये सब बिजनेस चलता है। आपके ख्याल से अगर इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे कश्मीर में करें या किसी भी एरिया में इंडिया के करें, तो वो इसी बेस पे करेंगे ना कि उनको रिटर्न भी मिलेगा। वो कोई सोशल वर्क तो नहीं कर रहे कि वो पैसा लगाते जाए उनका पैसा डूबता जाए, जो कि पाकिस्तान में होता है कि वो पैसा लगाते भी हैं तो वापस नहीं आता। कई कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो इंडिया में है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। उसकी मेन रीजन यही है कि एक तो यहाँ से उनका पैसा उनको वापस नहीं मिलेगा, जो लगाया है वो भी नहीं बचेगा, और उसके बाद सिक्योरिटी का भी मसला रहेगा। लेकिन इंडिया में या बांग्लादेश में या किसी और कंट्री में उनको ऐसा नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को सही करना होगा ना, बजाय हम ये कहें कि यार वो तो हमारा दोस्त था, वो तो उधर चला गया। दोस्त उधर ही जाएगा जिधर उसको ये लगेगा कि उसका फायदा है, या उसको कम से कम नुकसान तो नहीं होगा अगर फायदा ना हो।
ये तो बात सही है मैडम। ये मोहम्मद बिन सलमान हो या बाकी लोग हों, ये सोचते तो हैं ना कि भाई हमें तो इंडिया से फ़ायदा अब मिल रहा है, तो ये एक इम्पैक्ट तो है, और इसमें एक वो लग भी रहा है। मैडम आपको क्या लगता है कि ये ऋषि सोनक को देख के प्लस अजय बंगा को देख के और जो कि गीता जो है क्या नाम है उनका IMF वाली उनको देख के ये सारे लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज अगर पाकिस्तान ने भी एजुकेशन पे और बड़ी यूनिवर्सिटियों पे पैसा लगाया होता, अपने बच्चों को हार्वर्ड भेजा होता, जो कि हमने बहुत सारों को भेजा है, लेकिन साथ में हमने पैरेलल मदरसे भी खड़े किए हैं, तो आज वी वुड हैव बीन वेरी प्राउड अगर एक IMF और वर्ल्ड बैंक का जो बंदा है पाकिस्तानी होता और वो हमें इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहा होता या ना रिप्रेजेंट कर रहा होता, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की तरफ से जाता। लेकिन आज मैं गीता को देख रहा था जो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कि वो साड़ी लगा के मिल रही हैं। तो डोंट यू थिंक ये द इन्वेस्टमेंट ऑन राइट, ये आप ये एक मैसेज है पाकिस्तानी पेरेंट्स के लिए कि द इन्वेस्टमेंट ऑन राइट डायरेक्शन फॉर योर किड्स कैन मेक यू वन डे प्राउड रादर देन इन्वेस्टमेंट ऑन जिहाद एंड गन्स। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और ये सिर्फ पेरेंट्स का ही नहीं है, ये पूरे पूरी सोसाइटी का ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। और हमने जो है, अगर हमने किसी को बना भी दिया होता तो हम उससे वहां पर भी हम जो है रिलीजन के ऊपर ही बात कर रहे होते या वही लेके चल रहे होते, जो कि मेरा ख्याल है स्कूल कॉलेजेस में बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। रिलीजन की स्टडीज बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए। और अगर किसी का कुछ भी मजहब है वो घर में पढ़े आराम से, जो पढ़ने पढ़िए, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन स्कूल में अब हमने देखी है ना कि हमने हमारे यहाँ जो एक वाहिद साइंटिस्ट जिनके लिए हम कहते हैं कि नोबेल प्राइज लेकर, हमने उनका क्या हाल किया। हमने उनको बेचारों को इतना तंग किया कि पहले तो यहीं से पाकिस्तान से उनको जाना पड़ गया, उसके बाद भी आज भी हम उन्हें बुरा भला कहते हैं। तो पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से भी पाकिस्तान में कोई इस तरह के स्टूडेंट्स हमें नजर नहीं आए, कोई इस किस्म के लोग हमें दिखाई नहीं दिए। अब मैंने तो ये तक सुना है कि कई मतलब कुछ एक दो लोगों ने जो चैनल पर आते हैं उन्होंने ये तक बताया कि जब वो किसी और दूसरे पाकिस्तानी चैनल्स पे जाते हैं, मैं आपकी बात हरगिज नहीं कर रही, लेकिन कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आपको पता है कि काफी निकले हैं, वो कहते हैं मैं वहां जाता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते। मैं कहा यार कमाल है, मतलब आप वहां पे एक शो करने के लिए गए तो आपको कलमा पढ़ा रहे, तो अब माइंडसेट इस किस्म का है लोगों का। तो ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ते सर, दुनिया में कोई कहीं भी देख लीजिए, जहां पे इतना ज्यादा आप रिलीजन को लेके चलते हो और आप ना साइंस पढ़ें ना कुछ और स्टडीज करें, और उसको आप एक मदरसे, पूरा पाकिस्तान एक बड़ा सा मदरसा बन गया है। जैसे हमारे यहाँ से लोग कहते हैं ना कि कश्मीर एक जेल बन गया है। हमारे अभी जो प्राइम मिनिस्टर आए उनका कहना था कि जी कश्मीर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जेल है, पता नहीं ये उनको किसने बताया है। लेकिन इसी तरह से पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़ा मदरसा है, और इसमें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ इसी किस्म के लोग दिखाई देंगे, और इसी किस्म के लोगों से आपका वास्ता पड़ेगा। बहुत थोड़े लोग हैं जो शायद इस तरह की सोच रखते हो जिसमें आप बात कर रहे हैं या मैं बात कर रही हूँ, लेकिन ज्यादातर लोग तो ऐसे नहीं है। हर वक्त आपको ऐसा ही लगता है कि पता नहीं दूसरा आपके बात के ऊपर क्या रिएक्ट करेगा, ये एक डर एक खौफ पाकिस्तान के अंदर रहता है। तो ऐसे लोग सर कहीं नहीं पहुंचते, ना वर्ल्ड बैंक में, ना किसी और मल्टीनेशनल कंपनीज में, ना कहीं बाहर CEO लगते हैं। ये काम जो है ये मोमिनों के लिए नहीं है। मोमिनों के लिए तो बस यही है कि बस ठीक है, अपनी ये दुनिया जो है वैसे ही है, थोड़े टाइम के लिए आए और बस उधर की तैयारी करो, और उधर की तैयारी आपको पता है कैसे होती है। मैडम चोरी चोरी चुपके चुपके हमारे लोग भी तो G20 देख रहे होंगे, बिल्कुल बोल नहीं रहे लेकिन देख तो रहे होंगे। क्या देखें, इंडिया के अंदर मोटिवेशन है कि चीन आगे निकल गया पीछे जाना है, ठीक है जी। हमारे अंदर एक मोटिवेशन एक दौर में रही कि इंडिया का न्यूक्लियर बना लिया, हमने न्यूक्लियर बनाना है, उसके बाद हमें कभी इंडिया को कम्पीट करने या फॉलो करने की मोटिवेशन नहीं रही। इंडिया के अंदर आप कभी इंडियन जनरल से बात करें या उनके एम्बेसडर से बात करें या उनके लोगों से बात करें तो वो कहते हैं कि जो चीन ने हमें टफ टाइम दिया ये बहुत अच्छा किया है, इससे एक कंट्री की ट्रिगर हुआ है, स्ट्रगल आगे जाना भाग दौड़। इंडिया ने क्वाड का मेंबर बना बिकॉज उनको पता था चाइना बॉर्डर पे आ गए थे, ए ना हो सानो इतने हथापाई काम शुरू हो जाए। आपको लगता है कि स्ट्रगल विल इन ट्रिगर इन पाकिस्तानीज और एलीट कि नहीं यार आप देखें यार बिस्ती ऊंडे ही ऊंडे ही है, ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको लगता है कि ये कुछ चीज मोटिवेट कर सकती है एज ए नेशन पाकिस्तान को?
देखिए सर, कंपैरिजन तो कहीं से नहीं बनता, कितनी भी कोशिश कर लें उस लेवल तक तो नहीं जा सकते, लेकिन बहरहाल कोशिश करनी चाहिए और सॉरी कॉपी भी करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ इंडिया को कॉपी करें, जो लोग जो भी वो लोग कर रहे हैं, चाहे वो G20 हो, चाहे ब्रिक्स हो या SCO या और बहुत सारी चीजें, एजुकेशन सिस्टम है और कई दूसरी चीजें उनकी, खास तौर पे उनकी अगर सिविलियन गवर्नमेंट को देख लें, ठीक है उनके ऊपर भी तनकीद होती है, लोग कहते हैं कि ये सही नहीं कर रहे, पोजीशन भी है सब है, लेकिन फौज बीच में नहीं आती, उनके आर्मी चीफ का कहीं आपको स्टेटमेंट दिखाई नहीं देता। मैंने तो बल्कि ट्विटर पे लिखा भी था, पता नहीं ऑफिस आते भी हैं या नहीं, इसलिए कि हमारे तो आर्मी चीफ का हर रोज एक स्टेटमेंट आ रहा होता है। तो उन्होंने, या इवन बांग्लादेश में भी यही कहा जाता है कि उन्होंने हर किसी को अपनी जगह पे रखा है, जो मौलवी हैं उनको उन्हीं के काम तक रखा है, फौज को उसी के काम तक रखा है, यहाँ पर सारे काम उल्टे हैं, यहाँ पर हर चीज जो है वो फौज ने हाथ में ले रखी है। अब इस वक्त भी जी वो इकोनॉमी ठीक कर रहे हैं, अब वहां पे जो TTP के अफगानिस्तान बॉर्डर पे रोज छितर मार के जा रही है वो देखने का टाइम नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे इकोनॉमी भी ठीक करनी है, सियासत भी चलानी है, इलेक्शंस भी इन्हीं ने कराने, इलेक्शंस में खड़े भी इन्हीं ने होना है। तो ये चीजें सर ऐसी हैं जो मैंने इंडिया में कम से कम मैंने नहीं देखी, अगर किसी और ने देखी हो तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनसे हमें सीखना पड़ेगा। हमारे जो पहले पाकिस्तान में थोड़ी बहुत मूवीज बना करती थी, अब तो खैर नहीं बनती, तो उस वक्त भी बड़े अच्छे हमारे एक आर्टिस्ट होते थे उमर शरीफ साहब, तो वो कहने लगे, उनसे किसी ने कहा कि नहीं पाकिस्तान में मूवीज अच्छी नहीं बनती हैं और इंडिया में देखे, तो उन्होंने कहा नहीं जी हमारी एक फिल्म जो है वो इंडिया की 5 फिल्मों के बराबर है। तो किसी ने कहा वो कैसे, कहते हम उनकी 5 फिल्में देख कर एक पिक्चर बना देते हैं, तो वो फिर हमें काम आसान हो जाता था। तो खैर वो मजाक कर रहे थे, बट स्टिल बहुत सी ऐसी फिल्में जो हमने इंडिया से कॉपी की, तो हम जब फिल्में कॉपी कर सकते हैं, गाने कॉपी कर सकते हैं एक दूसरे के, क्योंकि कुछ सॉन्ग्स तो खैर इंडिया ने भी हमारे लिए, मगर ये है कि फिर हम बाकी चीजों में कॉपी क्यों नहीं कर सकते। हम देखें ना कि पहले उनके कई आपके साथ भी कई गेस्ट आते हैं जो बताते हैं कि एक जमाने में वहां पर भी एक इकोनॉमी का प्रॉब्लम था, उनकी इकोनॉमी बहुत खराब थी और वो उन्हें भी लोन लेना पड़ा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो वो कभी नहीं गए, लेकिन उसके लिए सर कोई शर्म होनी चाहिए, कोई गैरत होनी चाहिए कि IMF को, उल्टा IMF को हम गालियां निकालते हैं कि जी उसने बड़ा गलत कर दिया हमारे साथ, वो बेचारा पैसे दे दे के IMF का, जैसे कहते हैं ना हमने जूस निकाल दिया, तेल निकाल दिया उसका, लेकिन तब भी हम कहते हैं जी वो गलत कर रहे हैं। अब हम उनके पास गए कि जी वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए जो हमें और रियायत दो, ये करो, तो भाई अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो काम कर लीजिए ना, बजाय मांगने के कभी जो है वो सऊदीया से मांग रहे हैं तो कहो, सऊदीया कहता है जाओ IMF से लेकर आओ, IMF कहता है जाओ गल्फ से लेकर आओ, यही तमाशा चलता रहता है, मगर जो गवर्नमेंट भी आती है वो सिर्फ और सिर्फ मांगने के लिए निकल जाती है। तो जब तक ये सारी चीजें कंट्रोल नहीं करेंगे, और ये बाकी चीजों में ये कि दुश्मन है भारत, हमारा दुश्मन है, सबसे पहले तो इनको अपने दिमागों से ये कीड़ा निकालना पड़ेगा कि भारत हमारा दुश्मन है, वो तो हमें लिफ्ट भी नहीं करा रहे, दुश्मन होता तो 2-4 चपेड़े तो हमें मार ही देता, लेकिन उनके पास इतना टाइम भी नहीं है, अब उन्होंने हमें दुश्मन समझना भी छोड़ दिया है, हमारी तो इतनी बुरी हालत हो गई है कि अब भारत हमें अपना दुश्मन भी नहीं समझ रहा, दुश्मन भी समझ रहा होता तो थोड़ी बहुत हमारी इज्जत होती कि यार भारत हमें दुश्मन कह रहा है, अब वो हमें दुश्मन भी नहीं कह रहा, अगर निकलो इधर से। अब आप जो है वो बजाय इसके कि अपनी इकोनॉमी को ठीक करें, अपने को इस काबिल बनाए कि दोस्तों क्या आपको तो अब कोई दुश्मन भी नहीं बना रहा, कोई इस काबिल भी नहीं समझ रहा कि दुश्मन समझ के मुंह लगाया जाए, लेकिन हम कुछ सीखने को तैयार नहीं है, हम कुछ मानने को तैयार नहीं है, हम जो है वो तंज कर रहे हैं बैठ के, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बैठ के तंज कर रहे हैं भारत पे कि देखिए जी G20 करा दिया, कौन सा कमाल कर दिया, ठीक है उन्होंने तो करा दिया ना, आप तो वो भी नहीं करा सके, आपके यहाँ तो कोई आता ही नहीं, बड़ी मुश्किलों से हाथ पांव जोड़ के किसी को यहाँ पे बुलाते हैं तो वो दूसरे दिन सर पे पांव रख के भागता है। तो यहाँ पे कौन सा इवेंट हमने ऐसा देखा है सिवाय वो OIC का, एक शायद हमने करवाया था, OIC के लोग भी हमें पूछते नहीं है कि जी जो इस्लामिक कंट्री हमने जमा की है और ज्यादा अपने आपको जो है वो करने के लिए कि हम बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं ये दिखाने के लिए, लेकिन इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता। और आप देख रहे हैं इस वक्त भी पाकिस्तान की जो हालत है, और यानी मुसलमान मुसलमान को मार रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हमारे सिपाही जो हैं वो जन्नत में जाने वाले हैं जो शहीद हो रहे हैं, या उस साइड पे जो TTP वाले हैं वो भी मुस्लिम है, वो भी शहीद ही है, क्योंकि वो भी मतलब ऑन ड्यूटी बेचारे मारे जा रहे हैं तो वो भी शहीद ही हुए, तो इन दोनों में से जन्नत में जाएगा कौन, और अगर दोनों ही चले गए तो भाई काम बहुत बढ़ जाएगा ऊपर, तो ये मैं बता रही हूँ, तो लेकिन ये जरूर है मगर ये जरूर है कि हमें अकल नहीं आ रही।
मैडम, बातें तो आप बड़ी जो है ना वो जो कर रही हैं उनमें काफ़ी वजन है कि हमें IMF का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो तो लेंडर है भाई, वो तो जब भी जाके दरवाजा खटखटाओ के पैसे देगा, हम उसी को गालियाँ जी देते। आई विश के पाकिस्तान के अंदर एक ट्रिगर होना चाहिए, एक कौमियत। जब तक आपके अंदर मोटिवेशन, एक आग ना हो, ठीक है, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। और ये कौमों के अंदर होती है। हमने मैंने रिसेंटली एक किया था इसके ऊपर, जब इसरो ने चांद पे गया तो मैंने किया कि हम क्यों स्पेस मिशन हमने बंद कर दिया। तो शुरू हमने भी किया, बल्कि इंडिया से कुछ 4-6 साल पहले ही हमने शुरू किया, लेकिन हम रास्ते में प्रायोरिटीज़ बदल गई। हम मिलिट्री साइड पे चले गए, रिसोर्सेज कम कर दिए वहाँ पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं रखा। तो फिर ये चीज़ें तो फिर मैडम होती हैं ना, आप जब प्रायोरिटीज़ नहीं करते, आप अपने लोगों के साथ सीरियस नहीं है, तो ये चीज़ें तो हैं ही। थैंक यू सर ये वेरी हर मच। जगह पर है, जी सर ये सर ये हर जगह पर है। ये सिर्फ आपको गवर्नमेंट में नहीं, आपको गवर्नमेंट जॉब, आप अगर प्राइवेट ऑफिस में देख लीजिए, आप मीडिया में देख लीजिए, आप टीवी चैनल्स खोल के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ये लोग जो हैं ये सिर्फ पर्ची पर आए हुए हैं, मेजोरिटी उनमें से, हर एक को नहीं कह रही। और इसी वजह से मीडिया का भी ये हाल है और बाकी हर इदारे का पाकिस्तान में यही हाल है।